लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। छात्रों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो तो उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना अनुकूल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने, माँ को सफेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करें या उसी चक्र पर अर्धचंद्र का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ऊने नमः का जाप करें और जलीय और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालंक मंडलो देवी प्रसीद तुमई ब्रह्मचारिण्यनुत्तम मा।